इसमें पड़ जाते हैं। ये जातियां जो हैं ये शादी ब्याह के लिए ठीक है लेकिन राजनीति के लिए नहीं ठीक है। जातियां उनमें भी हैं, कोई चिकवा है, कोई कसाई है, कोई गुजर है, कोई बहना है, कोई फकीर है, कोई खानजादा है। लेकिन वो सब एक हो जाते हैं, और जब वो सब एक हो जाते हैं तो हम लोग को भी जाति में नहीं बंटना चाहिए, हम लोग को भी एक हो जाना चाहिए। बताते हैं, कहते हैं कि हम 1,10,000 हैं तिलोई विधानसभा में, तो हम भी 2,50,000 हैं। एक 1,10,000 ज्यादा होते कि 2,50,000 ज्यादा होते? हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे। खाते यहाँ की हैं, बजाते बहुत अच्छा लगता है तो चले जाएं पाकिस्तान, यहाँ हिंदुस्तान में कोई जरूरत नहीं है। आप सबसे मेरा आग्रह है, माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, हम लोग इस बात को सोचें, एक गांव जहां पे 2 घर मुस्लिम हो और 100 घर हिंदू हो, वहां पे आप देख लीजिए मुसलमान कितने आराम से कितने प्यार से रहता है। चच्चा चच्चा चच्ची चच्ची कहते रहते हैं हम लोग, लेकिन जिस घर में 2 घर पासी है, आप चले जाइए मोनिकपुरवा, बहुत दूर नहीं ना यहाँ से, 7-8 किलोमीटर हुई, क्या हालत है उन बेचारे पासियों की। उस उद्धवपुरवा में वो यादव और 2 पासी की क्या हालत है, जीने नहीं देते, जी नहीं पा रहे हैं बेचारे। ये हम सब लोग को सोचने वाली बात है। 27 तारीख को आप सबसे मेरा आग्रह है, हम लोग फैसला आप सबको करना है कि तिलोई में गुंडा राज होगा, कि तिलोई में राम राज होगा। आप सबके सहयोग और आप सबकी ताकत, आप सबके आशीर्वाद से मैंने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। अगर किसी एक हिंदू भाई को हमारा छू लिया तो वो हाथ उछाड़ के फेंक दिया जाएगा। आप सबसे मेरा आग्रह है, आप किसी एक गांव में चले जाइए, अगर वहां 10 घर मुस्लिम हैं और 10-12 साल बाद दोबारा जाइए तो वहां 25 घर मिल जाएंगे आपको। खाली अपना आबादी बढ़ाने में लगे हैं और कुछ नहीं। मेरा आप सबसे आग्रह है, आप सब फैसला लें 27 तारीख को, कमल के फूल का बटन दबावें। और ये भी बता दूं, ये मोदी का राज है, योगी का राज है, और योगी का नाम भी अब बदल गया है, योगी बाबा अब नहीं है, अब उनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है। तो जब योगी का बुलडोजर चलेगा, हिंदी में कह लीजिए तो अधर्मी हिंदू, ये बहुत बड़ा काला नाग है, कहता अपने आप को हिंदू है लेकिन ये अधर्मी हिंदू जेब में पैसा डाल के हिंदुओं को पैसा बांट के हिंदुओं में पटवारा कराने पे तुला हुआ है। इससे भी हम सबको बचना है। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है।